सो गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें फ़ोनपे के अंदर देखने के लिए मिल रही है, रोंग यूपीआई पिन इंटरेट। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का पेज दिखाई दे रहा है, तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से ठीक कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, कई बार होता क्या है, यहाँ पर आप अपना पिन भी सही डालते हैं लेकिन यहाँ पर जो आपका ये लॉक है वो आपका अनलॉक नहीं होता है। आप किसी को भी पेमेंट भेजते हैं तो वो पेमेंट आपकी फिल्ड हो जाती है। तो देखिए मेरे भाई, किस तरीके से आप इसको ठीक कर पाएंगे आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आज़ाद कुशवाहा। तो देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चैट का भी ऑप्शन दिया जाता है जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको क्या काम करना चाहिए जिससे आपको यहाँ पर जो आपका पेमेंट फेल है वो आपको देखने के लिए ना मिले। ठीक है, दूसरा आपको मिलता है यहाँ पर देखिए व्यू डिटेल का, और तीसरा डन का मिलता है। तो व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये इनकी डिटेल मिल जाएगी जो भी पेमेंट की होगी। ठीक है, और उसके बाद आपको री एंटर पिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पर देखिए री एंटर पिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का पेज देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको पिन तो याद नहीं था लेकिन आप पिन सही डालते थे लेकिन फिर भी आपको नहीं याद था। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपका जो कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर है उस नंबर को डालिएगा, उसकी एक्सपायरी डेट डालिएगा, जो एक्सपायरी डेट मतलब जब वो ख़त्म हो जाएगा। इतना डालने के बाद प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नया पिन बना पाएंगे। अब देखिए इसका एक दूसरा प्रोसेस भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसको आप डन कर देंगे, और डन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखिए थोड़ा सा बेक करेंगे और यहाँ पर आप लोग प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके का पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको इस वाले एरो के ऊपर आप चाहे तो क्लिक करके यहाँ से अपना नाम वाम जो भी आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यूपीआई चेंज करनी है तो यूपीआई सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको यूपीआई सेटिंग मिल जाएगी, तो यूपीआई सेटिंग के ऊपर आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप यूपीआई चेंज कर सकते हैं, यूपीआई नंबर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए लिंक टू फ़ोन पे है, हमारा जो यूपीआई है ना इस फ़ोन पे एक साथ प्राइमरी अकाउंट के साथ लिंक है। अब यहाँ पर हमें जो इसके साथ करना क्या है, हमें यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करना है अपना पासवर्ड। तो देखिए इसके लिए हमें आना होगा यहाँ पर, देखिए आपको फिंगरप्रिंट लॉक दिख जाता है, अदर चीज़ आपको दिख जाती हैं, तो यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड रिसेट ऑप्शन दिख जाता है। लेकिन यहाँ से आपको जो अभी शुरू वाला पासवर्ड होता है वो पासवर्ड आपका काम करेगा, देखिए ये पासवर्ड। अब यहाँ पर आपको बोला न्यू पासवर्ड बनाने के लिए, तो यहाँ से आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं लेकिन ये कोई काम का नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, यहाँ से आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती है जिससे आप अपना यहाँ पर इसको चेंज कर पाएँ। तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है व्यू ऑल पेमेंट्स, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके का पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए हमें पिन तो याद नहीं था और यहाँ पर हमें ऑप्शन भी शो नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर हम इसके लिए यहाँ पर देखिए ऐड कार्ड कर सकते हैं और ऐड कार्ड करके हम पिन को चेंज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कई सारे लोगों के पास कार्ड नहीं पता होता है कैसे होता है, तो देखिए अगर आप कोई सी भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कोई सी भी बैंक की एप्लीकेशन हो तो उसके अंदर आपको सभी बैंकों के अंदर वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है। तो जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है ना उससे आप किसी भी फ़ोन के जो एटीएम है मतलब एटीएम में लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे में, गूगल पे में, पेटीएम में आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। जैसे कि भी देखिए यहाँ पर हमारा ये है कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट और यहाँ पर इसका जो एम पिन है यहाँ पर आप लोग इसका डाल के बना सकते हैं। अब देखिए इसका बनाना आसान भी है, आप फिर से आएँगे फ़ोनपे में और यहाँ से किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, जो भी एक व्यक्ति ले सकते हैं कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर हम इसमें 7,000 डाल देते हैं, और 7,000 डालने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। और जैसे आप थोड़ा सा वेट करते हैं देखिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम आपका लगेगा, और यहाँ पर कोई भी एक और यहाँ पर यूपीआई डाल दीजिए। यूपीआई डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा और यहाँ पर जो आपकी पेमेंट है ना वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, यानी कि हटा दी जाएगी, आप यहाँ पर पेमेंट सामने वाले को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना पेटीएम का जो सॉरी फ़ोनपे का यहाँ पर यूपीआई पिन बनाने के लिए नया। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आपको क्या प्रोसेस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर इंटरनेट इशू है थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप इग्नोर करिएगा इसको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंटरनेट इशू देखने के लिए मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा ज़्यादा वीक चल रहा है।
अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आपको प्रॉब्लम है इस तरह का दे रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको रिसेट यूपीआई पिन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना पिन रिसेट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर अपना पिन रिसेट कर देंगे, आपका यहाँ पर पासवर्ड पे क्लिक करके एक नया पिन क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप पिन को आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।